जी, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए, कितने बज गए? 10:15 हो गए। और मैंने झाड़ू झूड़ू निकाल के फ्रेश व्रेश होके गर्म पानी पी के और मैं मशीन पे बैठ गई थी। आज मैंने पोछा नहीं लगाया, सिर्फ झाड़ू लगाई। ठंड बहुत हो रही है, ठंडे हाथ हो रहे हैं। देख, ठंड की वजह से उंगलियां में भी ठंड बढ़ रही है, सोई सी आ रही है इन उंगलियां। तो आज मैंने पोछा कैंसिल कर दिया। तो ईब मैं ये बनाने लग रही हूँ, अफगानी सलवार बनाने लग रही हूँ। देखो, नीचे की साइड चुन्नट डाली है, पोंचा के पास चुन्नट डाल के बनाऊंगी। और इसके ऊपर देखूंगी के डिजाइन बनाऊंगी, गोटे से बनाऊंगी कुछ ना कुछ। और यहाँ मेरी मशीन है खिड़की के पास। सुबह सुबह ये पर्दा हटा दूँ तो यहाँ तो थोड़ी सी रोशनी आ जाए, मशीन का अच्छा दिखाई दे है इस तरह। और पानी लगा रखा है, इब नहाऊंगी, उसके बाद चाय पीऊँगी, फिर और जो बाकी का काम बच रहा है वो करूँगी। और आज एक थैला भर के, दो थैला भर के रख रखा है नीचे। इनका लेना है इनर, 10 सूट एक थैली में डाल रखे हैं, कमीज कमीज डाल रखे हैं। कत्तर कटिंग करण में ना कई बार अस्तर ठीक तो मिला कोनी, तो दिक्कत हो जा है। तो जैद कमीज कमीज निकाल के डाल लिया था, किसकी पैंट बनानी है, किसकी सलवार बनानी है, इसी साल तो इनर लेना पड़ा है ना भाई। सलवार में नहीं लगाना तो उसका कम है, पैंट लेनी है तो उसका ज़्यादा। तो इसी हिसाब से कटिंग करके इसमें थैली में डाल लिया, ब्लाउज डाल लिया, कई 4-5 ब्लाउज हैं शायद, तो उनका इनर लेके आऊंगी। फिलहाल तो मैं सलवार ने पूरी करन लाग रही हूँ। पानी मेरा गर्म हो रहा है, नहाऊंगी। तो गाई जी, मैंने नहा लिया और थोड़ा चिकना लगा के हाथ पैर का जर्सी पहन ली हूँ। ठंड है, धूप निकलन लाग रही है, पर मारे तो थोड़ी ये लग गया करे, गैलरी में ज्यादा ना लग गया करे। और मैंने तो सलवार के नीचे का पजामी भी पहनी है, काल ना पहनी, पैर फिर गया मशीन पे बैठी बैठी कर, फिर उठ के पहननी पड़ी। और उंगली है ना ज्यादा तो मोटी मोटी हो रही है, ये देखो इनमें ठंड बढ़ रही है। ये भी ये अंगूठी पहले आराम से लकड़ जाया करती, इब ना लकड़ पूरा तो सूझ रही है। पहली पैरां की हो रही थी, फिर पैरां की तो मैंने गर्म पानी तो सेक सेक से ही कर ली। ये बात हाँ की होगी, ये बात हाँ ठंड पड़ गई। आज चाय ना पी है, चाय बनाऊंगी और चाय पीऊंगी। उसके बाद फिर रोटियां काम रह जाएगा, रोटी थोड़ी सी लेट बनाया करूं। बालका ने एक बार जूस पी लिया, जूस बना ली है ये। तो अभी मैं बनाती हूँ चाय, आते हैं किचन में। तो ये गाइज, मैंने इब भूंद लिए और इन पे ना हल्का हल्का मैगी मसाला डाल लूंगी, तो इससे ये इनका टेस्ट भी बन जाएगा और ये सही खाया जाएगा। बाकी तो इनमें के स्वाद हो है, ये बच्चा खातर ले आई थी मैं, कैल्शियम खातर। बच्चा नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाए मैंने, खा खा के खत्म करने पड़े। तो इस पर थोड़ा मैगी मसाला लेते हैं, इसका टेस्ट अच्छा आ गया है। भून के इस पर मैगी मसाला मिला लिया, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। और ये बन चुकी है मेरी चाय, तो अभी मैं चाय पीऊंगी और साथ में ये खाऊंगी। तो ई मैंने एक सूट तैयार कर दिया जो मैं सुबह तक लग रही थी इस सूट का। ये देखो मैंने इस तरह से बनाई है, ये देखो इस तरह से बनाई है अफगानी सलवार। ऊपर डाला है लास्टिक और नीचे ये पोंचा, और ये पोंचे पे डिजाइन गोटे वाला। ऐसा ना कमीज में कढ़ाई है इसी कलर की गोल्डन, तो मैंने ये गोटा लगा दिया। पैंचा थोड़ा अच्छा लुक देवे है, इस तरह डिजाइनर सा बन जा है। हल्दी प्रोग्राम के लिए ड्रेस तैयार करी है, ये सूट है। तो इस तरह अफगानी सलवार बनाई है और बिल्कुल भी आसन नहीं खींचेगा। आसन इतना
ज्यादा मैंने वो बना रखा है और डबल एक्सल एक्सल डबल एक्सल साइज का बनाया है। और ये सिलाई है ना, ये देख लो, चाहे बिल्कुल भी नहीं उठेगी पहनने के बाद। ये आसन इस तरह से ज्यादा गोलाई में कर दिया करूँ मैं तो फिर बिल्कुल भी नहीं उठेगी। और अगर आपने इसकी कटिंग देखनी है तो आप कमेंट कर सको, मैं इसकी कटिंग भी दिखा दूंगी। बहुत अच्छी सलवार बनेगी यूं वाली, बेल्ट लगा के बनाऊंगा तो वह ज्यादा फुली फुली रहे यहाँ तक, और पहनते समय ऐसे लटकती है नीचे से। और ये देखो मैं ऊपर से पकड़ के दिखाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं लटकेगी पोंचे पे और ऐसे खड़ी खड़ी रहेगी तो ज्यादा सुंदर लगेगी। तो इस प्रकार बनावांगे। और इसकी यह कुर्ती बनाई है, कुर्ती है सिल्क का कपड़ा में, ये कढ़ाई है इसके ऊपर गोटा पत्ती की, और बाजू इसकी प्लेन आई थी तो इसके ऊपर भी मैंने गोटा लगा दिया। इतना हैवी स्वेटर बाजू दे दी है प्लेन तो अच्छा नहीं लगता ना। और इसका ये बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर समोसा लेस और ये लाइन सी लगा रखी है धागे की, ठीक है। तो इसकी ये कुर्ती है, देखो बैक प्लेट भी डाली है और फिनिशिंग के साथ डाली है, कोई भी झोल नहीं है। बैक प्लेटा में अभी प्रेस नहीं होया है और तुरपाई भी नहीं हुई है, उस तो ज्यादा फिर फिनिशिंग आओगी। बाजू में इनर भी लगाया है, इनर के बिना आजकल का जो कपड़ा है वो खिस जा है, फिर यहाँ तक श्रिंक श्रिंक नहीं हो, छी जा है, जैसे छी जाता है ना यहाँ से कपड़ा, वो वाला काम हो जा है, इसलिए ये जरूर लगाया है। और ये बनाया है ब्लाउज बनाया है पैडेड, 3/4 इसकी स्लीव्स बनाई है, और स्लीव्स में ये देखो पाइपिंग भी फिनिशिंग के साथ लगाई है। गला इसका इस तरह का है, इसमें भी पाइपिंग लगाई है और पीछे भी पाइपिंग लगाई है। अभी इसमें हुक आई वगैरह नहीं हुई है तो इसकी फिनिशिंग होनी अभी बाकी है, तुरपाई वगैरह। और इसके साथ रेडी किया है ये वाला स्कर्ट शरारा, कलियों वाला, सर्कुलर प्लाजो या डिवाइडर प्लाजो, कई नाम है इसके, कुछ भी कह सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ये लगा दी पट्टी और साइड में हुक चैन लगाया है यहाँ से पहनने के लिए। ये देखिए चैन बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी, इस तरह से खुलेगी और इस तरह से बंद होएगी। यहाँ लगाए हैं पेंट वाले हुक, ये हुक ऐसे यहाँ से बंद हो जाएंगे। और इसका पूरा घेर मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से इसका पूरा घेर है। नीचे करवाएंगे पिको, अभी इसको पिका होना बाकी है। तो इस तरह की ये ड्रेस बनी है और इसमें कलर थोड़ा सा लाइट आ रहा है, बाकी कलर इसका थोड़ा सा डार्क कलर है तो अच्छा कलर है। तो इस तरह की ये ड्रेस तैयार की है। ये मैंने कल सीमया था, ये मैंने आज ही लिया है। ये हो रहा है रोटियां का टाइम, ये बनाऊंगी रोटी। मंजू का फोन आ गया, उसके बाद लेके आऊंगा इनर, और बहुत सारा काम इकट्ठा हो रहा है करने वाले मैं अकेली। सिलाई के सूट भी बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए, शादी के सूट हैं और टाइम है मेरे पास कम, तो देखती हूँ कैसे सिलूंगी। जल्दी जल्दी करना पड़ेगा अभी अभी। ये मैं भेजूंगी तुरपाई के लिए, दो तीन कमीज और पड़े हैं और एक कमीज ये है, तो इन्हें मैं तुरपाई खातर भेजूंगी। रोटी बनाऊंगी, फिर एक चक्कर मार्केट का लगाना पड़ेगा, वह इनर भी तो मेरे बिना ना ले आवे, उसने इनर भी तो दिवा के लेना पड़ेगा। फिर और ये जो शरारा मैंने बनाया है स्कल्ट सर्कुलर प्लाजो, इसकी वीडियो मैं डालूंगी नेहा बुटीक पर। तो अगर आपने इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखनी है तो आप वहां जाके देख सकते हैं। अभी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, टेक केयर।